दिस इज़ रिपोर्टर हेबा फ्रॉम विजन न्यूज़। जैसे कि आप सब जानते हैं, आपका नाम है डॉन मालेगा। सर, वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस? Yes, hello everyone. My name is Mr. Marlega. I am one of the most kick-ass criminal in the city. तो सर, पहला सवाल ये बताइए सर आपसे, ये है कि आप क्रिमिनल कैसे बने सर? तो हुआ क्या था, I was doing normal jobs. मैं बहुत ही intelligent बच्चा था बचपन से। बचपन में पढ़ाई में बहुत अच्छा था, कॉलेज में बहुत अच्छा था। फिर मेरी एक गर्लफ्रेंड बनी। उसका नाम था बबीता, ठीक है। हम दोनों कॉलेज से साथ में थे। फिर क्या हुआ, हम कॉलेज में इधर उधर जाते थे पॉकेट मनी पे, कभी मूवीज देखने, कभी रेस्टोरेंट में, कभी कहीं पे, कभी ओयो रूम्स, कभी कहीं। बट एक टाइम आया कि मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। फिर मैंने बोला बबीता को कि अब तुम्हारा वक्त है पैसे खर्च करने का। और फिर उसने बोला मैं नहीं दूंगी। मैंने सर, पैसों के लिए नहीं दूंगी बोला क्या? हाँ, मतलब पैसे नहीं देगी। फिर मैंने तभी ठान लिया, नाउ फ्रॉम नाउ ऑन पैसा ही सबसे बड़ी चीज है। तो सर, मेहनत करके पैसे कमाने के बजाय आपने सोचा कि इलीगल करके पैसे कमाए? नहीं नहीं नहीं, उसके बाद, अरे स्टोरी तो सुनो। उसके बाद मैं यहाँ पे इस शहर में आया उसको ढूंढते ढूंढते। फिर मैंने देखा वो किसी और के साथ बड़े बड़े गाड़ियों में, लंबी लंबी गाड़ियों में घूम रही है सबके साथ। तो मैंने दिन रात एक कर मजदूरी कर दो वक्त की रोटी कमाई। मैं वहाँ पर गार्बेज कलेक्टर का काम करता था। फिर मेरे को एक दिन पुलिस ने फेक अरेस्ट, फिर मेरे को एक दिन पुलिस ने फेक अरेस्ट किया, बोला तुम्हारे पास ट्रक का लाइसेंस नहीं है, और उन्होंने मेरे को जेल कर दी। मुझे वहां बहुत मारा उन्होंने, बहुत मारा, कहां कहां मारा। फिर उसके बाद मैंने ठान लिया, अरे कौन फोन कर रहा है, अबे कौन हो है? हाँ, मैंने नहीं किया फोन, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ यहाँ पे। हेलो, सॉरी। तो फिर मैंने ठान लिया, सर कंटिन्यू। फिर मैंने ठान लिया कि पुलिस से बदला लेना पड़ेगा। इस जिंदगी में इनोसेंट इंसान जी नहीं सकता बिना पैसे और इज्जत और खौफ के। फिर मैंने सबसे पहले जेल से निकला, पुलिस ऑफिसर को उठाया, उसे मारा, उसको गाड़ी पे रखा और पीडी के सामने जला डाला। वो दिन है और आज का दिन है। सब खौफ खाते हैं मिस्टर मारलेगा से। तो सर, आपकी बचपन से आपकी जो गर्लफ्रेंड थी जिसने आपको छोड़ दिया है सर, आज तक का दिन जो है सर, आप बता सकते हैं आपकी प्रॉपर्टीज कितने एक्वायर किया आपने? प्रॉपर्टीज तो मुझे याद नहीं मेरे पास कितनी है। मैंने सारी उसके नाम करी थी और वो चली गई, उसके पापा ने उसकी शादी करवा दी किसी से। तो सर, आप ये कह रहे हैं आपके पास अभी कोई भी कार्स या हाउसेस नहीं है? नहीं, बहुत है। एक सेकंड चेक करना पड़ेगा सर, आप हमें बता सकते हैं कुछ? टिलू, वो मेरा मैनेजर फोन नहीं उठा रहा आज, तो मेरे पास कितनी प्रॉपर्टीज हैं? सामने चू 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 मेरा बीच पली हुई है। हाँ, एक हमने मार्स पे एलियन से बात की है। अरे अरे, वो प्रॉपर्टी। हाँ हाँ, एक वाइनवुड पर है, एक वाइनवुड पर है, एक ग्रूस स्ट्रीट पर है, एक 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 हमने हमने दंगल भी लिए हैं शहरों के पास है। एक लपीटो पे, लपीटो पे, लपीटो लपीटो लपीटो, ये कौन जगह है? अच्छा, लपेटो, लपेटो जगह पे। हाँ हाँ, लपेटो जगह पे, लपेटो लपेटो। एक पुली तो बेबी पे। हाँ। और गाड़ियों में हमारे पास चार लैम्बोर्गिनी है, चार लैम्बोर्गिनी है, उसके अंदर आती है तीन मर्सिडीज,
यहाँ पे सबको खांसी क्यों आ रही है? चक्कर आ गए थे मेरे को। और ज्यादा है फरारी 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 अरे अरे हाँ फरारी। अच्छा वो फरारी के पेपर सैंक्शन हो गए क्या? वो भी हाँ फरारी वो कल ही खरीदी है। और जो मर्क आपने कल गरीब को गिफ्ट कर दी थी वो तो मैंने वो उसका बर्थडे था तो उसको गिफ्ट कर दिया। अच्छा वो बताना नहीं था आज मेरा बर्थडे है मुझे लैम्बो दे दो। और राइट सर इन दी एंड एज अ डॉन माल लेगा जो आप हो आप इस शहर को कुछ मैसेज पहुंचाना चाहोगे? सो हम ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं शहर में कि सब आपस में बनाए रखें, सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, प्यार से बात करें। कोई भी किसी के अत्याचार हो रहा है तो मिस्टर बट सर आप खुद कह रहे हैं कि सब आपसे खौफ रखते हैं, आप कह रहे हैं कि सब प्यार से रहे। हाँ तो प्यार के साथ खौफ भी होना चाहिए ना। हाँ बताओ है ना वो खौफ नहीं इज्जत है। उस दिन बिल्ली का बिल्ली सुआ पकड़ के लिए जा रही थी, मैं उसको आंखों में आंखें डाल के देखा उसने सुआ तोड़ दिया। खौफ होने के लाजमी जरूरत है।